आज जाएंगे चिड़ियाखाना में जाएंगे देखने के लिए। चलिए चलते सीढ़ी करके ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद इस पार जाना पड़ेगा। की वजह ऑटो तो अभी हम लोग इधर रुके हुए हैं और उस पर जाना पड़ेगा, उसके बाद जू है। तो इधर चिड़ियाघर में हम लोग गाड़ी पार्क कर दिया है, लेकिन गाड़ी भाड़ा जो है पार्किंग भाड़ा मतलब एक घंटे में 150 रुपया, अगर एक घंटे के ऊपर और 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा फिर 150 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वही सब बंगाली में हम लोग बातें कर रहे हैं इधर में। और चिड़ियाखाना के बाहर में सारा खाना आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वैराइटीज है चिड़ियाखाना और अलीपुरद्वार चिड़ियाखाना का बाहरी का ये नज़ारा है। तो ये रहा अलीपुरद्वार चिड़ियाखाना का पहला मतलब पहला पड़ाव है, ये पहला गेट है, इधर से टिकट खरीदना पड़ेगा, उसके बाद गेट से अंदर जाना पड़ेगा और बहुत सारा चेकिंग भी है इधर पे। और आप इधर पे हर एक स्टाइल का मास्क देख सकते हो और पूरा सारा जितना भी मास्क है जितना भी डिज़ाइन आप ले लो सब 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। चिड़ियाखाना आप देख सकते हो।
ভিজা 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 এইবিলাক সব দেখা নাই পড়া না ভিজা দেখা নাই এইবিলাক প্রচুর তো মা ওইখানে তো গিয়ে গিয়ে যা হচ্ছে যেন মরা সব বসে আছে পাথর তো নীল গাই নীল গাই ফটো সেকশন করছে বাচ্চারা तो इधर पे दिख रहा है आपको एक कैंगरू दिख रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो मैंने हम लोगों ने बोला है आपको कार पार्किंग के बारे में, घंटे में 150 रुपया वो एक है, और सारे जगह पे जितने भी एनिमल्स है शिफ्ट करके उन मतलब जिसमें रहता है जिस पिंजरे में रहता है उनका काम चल रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं घूम पाए। जितना भी घूम पाए वो आप लोगों के साथ शेयर किया है वीडियो। और ये रहा एक छोटा गार्डन एरिया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है हर एक पार्ट का, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम लोगों का जू घूमना हो चुका है, हम लोग बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकल के जितना भी एरिया पड़ेगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी जाना पहचाना। और एक बात है, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, खाना तो खाना है ना, तो इसलिए हम लोग फटाफट जा रहे हैं पहले खाना खाने, उसके बाद घूमेंगे। और अभी देखिए हम लोग जो है जा रहे हैं घर की तरफ। घर की तरफ जाने से पहले अभी कलकत्ता से निकल रहे हैं, अब पहले हम लोग थोड़ा खाएंगे उसके बाद इधर उधर घूमेंगे। और उस साइड में आपको दिख रहा है वो है विद्यासागर ब्रिज, तो विद्यासागर ब्रिज विद्यासागर सेतु बोलते हैं इसको, तो वो उस साइड में है। मैंने भी पहले कभी भी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम है, आप लोग भी देख लीजिए मेरे साथ और हम लोगों को जाने को इंजॉय कीजिए। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी हम लोग विद्यासागर सेतु के ऊपर से जाने वाला है और हम लोग जा रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है व्यू, देखिए आप व्यू का मज़ा लीजिए।
सब बहुत थक चुके हैं, सब सो गए हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी देखिए सामने हम लोग का गाड़ी जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं सबसे बड़ा बिल्डिंग जो दिख रहा है वो है नवान्न। नवान्न जो बंगाली व्यूअर्स हो तो जानते हैं नवान्न किसको। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं, हम लोग मेरे माँ के घर नवद्वीप में आ गए और रास का जो ठाकुर है उसका विसर्जन जा रहा है। तो आप लोग विसर्जन को एंजॉय कीजिए। तो हम लोग घर तो जा रहे थे लेकिन सीधा जो रास्ता है मेरे मम्मी के घर की तरफ जाने का, तो वो वाला रास्ता अभी बंद है, काम चल रहा है। तो हम लोगों को दूसरी तरफ से जाना पड़ रहा है, मतलब इधर जो नवद्वीप का शमशान है वो इस साइड में है। बहुत बड़ा शमशान है, आपको लगेगा ही नहीं वो शमशान है। मतलब ऐसा लगेगा बहुत सारा फूल का, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा है, डेकोरेशन किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। वो उसी साइड से जा रहे हैं गाड़ी, अगर होता है तो मैं कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे तो देख के मतलब कैसा लग रहा है, इस रोड में इतना लोग जा रहे हैं, मतलब बगल में शमशान है और साइड से इतना लोग जा रहे, कैसे रहते हैं भी रात में इधर पे। मुझे तो मतलब वो मेन रोड से जाने में इतना डर लगता है, इतना अंदर में इतना सारे लोग घूम रहे हैं। और वो दाएं साइड में आप देख रहे हैं, वो उस साइड में दाएं साइड में चल गए शमशान, वो दाएं साइड में जो दिख रहा है वो है शमशान। और हम लोग बाएं साइड से निकलने वाले हैं, बहुत सारा है, इलेक्ट्रिक के भी है, काट का भी है, बहुत मतलब जो भी है वो बहुत है। सामने गंगा भी है और वो रहा शमशान, आप लोगों को जितना तक हो सके दूर से मैंने दिखा दिया। दाएं तरफ है शमशान और हम लोग बाएं तरफ से निकल जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।